भोजेश्वर मंदिर, जिस मंदिर को आज आप देख रहे हैं, ये मात्र एक गर्भगृह है। जी हाँ, ये सच है। अगर ये मंदिर पूरा बन जाता तो शायद ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होता। और ये बात हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। आज हम इस मंदिर के वे तत्व को जानेंगे जो इस मंदिर की विशालता का वर्णन करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप राजपूत और आप देख रहे हैं इंडियन आर्ट। हम इतिहास और पौराणिक जानकारी लाते रहते हैं, तो देरी ना करते हुए पॉइंट पर आते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर नामक एक गांव में बेतवा नदी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में एक किस्सा भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर को एक रात में बनाना था, लेकिन सूर्य उदय हो जाने के बाद मंदिर का काम वहीं पर रोक दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने वनवास के दौरान किया था, लेकिन मंदिर आज भी अधूरा बना हुआ है। लेकिन ये एक पौराणिक कथा मात्र है। इस बात की कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस मंदिर को एक रात में ही बनाया था। यह मंदिर अधूरा रहने का एक विशेष कारण है, वह कारण है राजा भोज की मृत्यु हो जाना। जी हाँ, सच सुन रहे हैं आप। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में शुरुआत से। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा राजा भोज द्वारा 11वीं सदी में किया गया था। परंपरा एवं मान्यताओं के अनुसार राजा भोज ने ही भोजपुर मंदिर एवं अब टूट चुके बेतवा नदी पर बांध का निर्माण भी करवाया था, मगर भोजपुर स्थिर मंदिर का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाया। फिर भी इस जगह का नाम राजा भोज के नाम पर भोजेश्वर ही पड़ा। यहाँ से मिले कुछ शिला लेखों के अनुसार इस बात का तो पुख्ता सबूत है कि इस मंदिर को परमार वंशीय राजा राजा भोज के शासन काल में ही बनवाया था। एक जैन लेखक मेरुंग तुंग अपनी किताब में लिखते हैं, राजा भोज ने अकेले ही अपनी राजधानी धार में 204 मंदिरों का निर्माण करवाया था। हालांकि आज के समय में कुछ मंदिर ही शेष बचे हैं, बाकी मंदिरों को आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर डाला और कुछ मंदिर समय की मार को नहीं झेल पाए। भोजेश्वर मंदिर एक सरोवर के तट पर बना हुआ है। इस सरोवर का निर्माण भी राजा भोज की कल्पना ही थी। इस सरोवर को बनाने के लिए राजा भोज ने 3 बड़े बांध बनवाए थे। हालांकि आज के समय में एक बांध ही शेष बचा हुआ है। 2022 में ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने इन बांध पर अपनी रिसर्च करी कि कैसे 1000 साल पहले ऐसा बांध बनाया गया। अगर हम बात करें कि राजा भोज ने इतने बड़े मंदिर को बनाने का क्यों सोचा, वह एक छोटा मंदिर भी तो बनवा सकते थे। भोजपुर स्थिर भोजेश्वर मंदिर की स्थापना राजा भोज ने अपने पिता सिंधु राजिया अपने ताऊ बागपति राजा मुंज हेतु बनवाया होगा, जिनकी मृत्यु रणभूमि में लड़ते हुए हो गई थी। और इस मंदिर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य एकदम से रोक दिया गया होगा। मगर कुछ लोगों का ये भी मानना है, शायद कोई प्राकृतिक आपदा या संसाधनों की कमी हो जाना अथवा किसी बड़े युद्ध का संकेत, यही कुछ कारण रहे होंगे मंदिर का अधूरा रहना। इतिहास की किताबों में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि मंदिर निर्माण एकदम से क्यों रोक दिया गया। यहाँ से मिले कुछ शिला लेखों के अनुसार ये तो स्पष्ट हो गया था कि इस मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंशीय राजा राजा भोज ने ही करवाया था। अगर मंदिर निर्माण पूरा हो जाता तो आप समझ भी नहीं सकते हो कि ये मंदिर कितना बड़ा होता। यहाँ आप जिस मंदिर को अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ गर्भगृह मंदिर प्रांगण तो कभी बन ही नहीं पाया। राजा भोज की कल्पना न जाने कैसी थी, वो किस टाइप का मंदिर बनाना चाहते थे। इतिहास में भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई इसे पांडवों से जोड़कर देखता है तो कोई राजा भोज से। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।